हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस में। आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है हेस्टर बायोसाइंस। ये एक एनिमल फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा। इसमें मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, क्या काम करती है, और इसके रेवेन्यू का क्या क्या, बेसिकली रेवेन्यू सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि पैसे किस किस सेगमेंट से कमाती है। उसके बाद कंपनी के हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम हिस्ट्री में, जब हम कंपनी की जो ग्रोथ और डिप्स देखते हैं स्टॉक में, तो हमें ये पता लगता है कि वो क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में डिप आया था, और क्या वो रीज़न फ्यूचर में भी हो सकते हैं क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी की हिस्ट्री में कंपनी के स्टॉक क्यों गिरा है ये जानना। तो उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम कंपनी स्टोरी के बारे में कुछ बात करेंगे, यानी कि कंपनी की जो फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे नज़र आते हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं, वो कौन से कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कंपनी ग्रो कर सकती है। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। उसमें जो है हम कुछ रेड फ्लैग्स देखेंगे जो इस कंपनी में हमें नज़र आते हैं, और उसके कुछ बिजनेस फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे, और फाइनली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो इस तरह की छोटी कंपनीज़ को एनालाइज करते टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि इन कंपनीज़ में जो बड़ी कंपनीज़ होती है उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क रहता है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1987 बाय मिस्टर राजीव गांधी। आज की डेट में ये एशिया की लार्जेस्ट बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इन ऑल ऑफ एशिया। ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद के पास गुजरात में है, वहीं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। ओवरऑल जो है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल वैक्सीन प्रोड्यूसर है। अब मैं आपको इनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो इनके मेनली दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, पहले प्रोडक्ट्स हैं वैक्सीन प्रोडक्ट्स और दूसरे हैं एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर वैक्सीन की बात करें तो ये पोल्ट्री वैक्सीन और एनिमल, लार्ज एनिमल वैक्सीन, ये दोनों टाइप की वैक्सीनेशन बनाते हैं। सिमिलरली अगर हम इनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें थेरेप्यूटिक्स, न्यूट्रिशन, फीड सप्लीमेंट और बायोसिक्योरिटी, ये चार तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो जो इनका लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर है वो है वैक्सीनेशन। अब अगर वैक्सीनेशन को समझें तो ये जो है एक इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती है उसकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते और कल को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई कोई बीमारी फैल जाती है आपके फार्म में, तो बहुत सारे जानवरों को बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके बाद जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत से एनिमल्स मर भी सकते हैं। स्पेशली अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें जो कि जैसे कि काउज हो गई या फिर जो है काफ्स हो गए या गोट हो गई, तो जो है इस तरीके के एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो बहुत से फार्मर्स जो हैं वैक्सीनेशन कराना पसंद करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम समझें तो जो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की बात है। तो बहुत बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जो है जो ओवरऑल रिस्क है वो उसका परसेंटेज, मान लीजिए कोई कोई बीमारी है जो बहुत कम जानवरों को होती है, तो बहुत बार क्या होता है कि जो है बहुत से फार्मर्स नहीं करवाते वो वैक्सीनेशन। तो एक तरीके से जो है हम इसे इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा हाई कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो कम होता चला जाएगा। तो ओरिजिनली जो हेस्टर फार्मा कंपनी है वो एक प्योर प्ले पोल्ट्री वैक्सीन कंपनी थी। तो होता क्या था, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी जैसे कि स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी, कोई बीमारी फैलती थी, तो बहुत से लोग जो है वो पोल्ट्री खाना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, और बहुत से जो है जानवरों को जो है वो मार दिया जाता है, ऐसा अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। तो उन दिनों में होता क्या है कि जो इनकी सेल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कि उस समय जो है फार्मर की इनकम बहुत डाउन हो जाती है, तो वो लोग जो है वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो है ये अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ये एनिमल जो है वैक्सीनेशन में भी चले गए हैं, यानी कि लार्ज एनिमल वैक्सीन्स में भी, और साथ साथ जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये लोग धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा लगता है, यानी कि कंपनी जो है किस सेगमेंट से कितना पैसा कमाती है। तो
ये हम कंपेयर करेंगे FY16 और FY20 का डेटा, और इससे हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा नज़र आता है, कौन से सेगमेंट्स हैं जो श्रिंक कर रहे हैं और कौन से सेगमेंट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं FY16 का डेटा। तो FY16 में जो पोल्ट्री वैक्सीन्स और पोल्ट्री हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये टोटल मिला के जो है ये पोल्ट्री का सेगमेंट बन गया, और लार्ज एनिमल वैक्सीन्स और लार्ज एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये दोनों मिला के बन जाएगा लार्ज एनिमल का सेगमेंट, यानी कि गाय वगैरह, भेड़, बकरी, इन सब का सेगमेंट्स। तो पोल्ट्री सेगमेंट से आया है 87 प्लस 7.4, यानी कि लगभग 94-95% के आसपास का रेवेन्यू इन FY16। वहीं अगर हम ये जो डेटा है अगर FY20 में देखें, तो जो पोल्ट्री सेगमेंट है वो अब 71% का रह गया है। तो इसका मतलब है कि जो पोल्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है फ्रॉम FY16 टू FY20। वहीं अगर हम लार्ज एनिमल की बात करें, तो लार्ज एनिमल जो है वो उस समय FY16 में लगभग 5.5-6% के आसपास का था, और वहीं अगर हम जो है आज की बात करें, FY20 की बात करें, तो आज जो है ये लगभग 18.2% का हो गया है। तो ऐसा हो क्या रहा है कि जो लार्ज एनिमल का सेगमेंट है वो पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, हर साल 30-40% से ग्रो करता है। तो धीरे धीरे जो है ये सेगमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और पोल्ट्री भी ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो है लगभग 10-12% 15% तक ही ग्रो कर रहा है। तो और अब आने वाले कुछ सालों में भी हमें लगता है कि जो है इसी तरीके का ट्रेंड रहेगा, जो लार्ज एनिमल का सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, और वो काइंड ऑफ प्लान्ड है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये लोग जो है नए सेगमेंट में जो है जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, और डाउनटर्न के टाइम में जो रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट हो जाता है। एक और सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा FY20 में, वो है VSB। तो मैं बता देता हूँ VSB का मतलब क्या है। तो VSB का मतलब है वेटनरी सोशल बिजनेस, जो कि जो है लगभग 1.5-1.6% कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन FY20। तो इस बिज़नेस में क्या करते हैं, ये गांव-गांव जाके जो है अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ताकि वो लोग भी जो है अपनी इनकम कमा सकें बाय गिविंग वैक्सीनेशन। अब ये सेगमेंट इम्पॉर्टेंट बहुत छोटा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली जो इनके कस्टमर्स हैं वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि अगर हम बड़े फार्म्स की बात करें तो वो तो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, वो फिर भी काफ़ी वैक्सीनेशन कराते हैं, लेकिन बहुत से जो है वो छोटे फार्मर्स होते हैं जो कि साइड में जो है पोल्ट्री का काम कर लेते हैं या फिर एक दो भैंसे पाल लेते हैं, तो वो उतने जागरूक नहीं होते और वो जनरली जो है बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो इसलिए जो है गाँव में जाके जो है उन लोगों के साथ बात करके उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमें जो लगता है ये फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इनका जो एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट है, यानी कि टेरिटोरियल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नज़र आता है। तो डोमेस्टिक जो है लगभग 85% है, और इंटरनेशनल जो है वो लगभग 14.5% 15% के आसपास है। अब हम आ गए हैं वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जो कि है स्टॉक प्राइस एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी के हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस को एनालाइज करते हैं, और जब भी कंपनी की डिप्स आते हैं या ग्रोथ आते हैं उसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट्स में जाके कि ये जो डिप आया था वो क्यों आया था, वो आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये डिप आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि फ्यूचर में दोबारा हो सकते हैं, और वो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि कल को अगर हम कोई न्यूज़ सुने और हमें पता चले कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो हमें ये पता लगा सकें कि हमें जो है इस कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है। तो अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें तो FY16 से लेके FY21 तक जो है ये लगभग 500 रुपये से बढ़ के 1800 रुपये हो गया है, लगभग 3.5 गुना हो गया है। तो इसके जो स्टॉक प्राइस के ग्रो करने का जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो गई हैं, और कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स 3-4 टाइम्स होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो है कंपनी ने किया क्या कि नए नए तरीके के वैक्सीन्स जो है लॉन्च किए, जैसे मैंने पहले बताया था हेल्थ केयर सेगमेंट में एंटर करे, एनिमल हेल्थ में एंटर करे, तो इससे जो है अपना जो रेवेन्यू है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। साथ साथ जो है ये टेंडर बिजनेस में भी एंटर करे, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, कुछ वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में PPR एक बीमारी होती है, और ब्रुसेला, इन सब के वैक्सीन्स जो है इन्होंने बनाए एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, और झारखंड में, बिहार में, काफ़ी सारी स्टेट्स में टेंडर्स होते रहते हैं, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरनेशनली भी टेंडर्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया, तो उस वजह से इनके अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ।
वहीं अगर डिप्स की बात करें तो हमें एक डिप जो है नज़र आता है इन FY16। तो FY16 में जो डिप है उसका जो मेन रीज़न था वो था हाई फीड कॉस्ट फॉर दी पोल्ट्री। तो उस समय जो है कंपनी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थी और पोल्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। और हुआ क्या था कि मेज़ जो कि बहुत से जो कि पोल्ट्री फार्म्स में यूज़ होता है फॉर एनिमल फीड, और अगर हम बात करें तो एनिमल फीड जो है वो 60% ऑफ द कॉस्ट है फॉर द एंटायर पोल्ट्री। तो चिकन जो है जब से पैदा होता है और जब तक बड़ा होता है लगभग 2 से 2.5 किलो तक जो है उसका साइज़ हो जाता है, तो उसमें जो है 60% जो ओवरऑल कॉस्ट है वो फीड की कॉस्ट आती है, बाकी अगर कॉस्ट को हटा दिया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। और होता क्या है, जब भी फीड का कॉस्ट रेज होता है या बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो उन दिनों में जो है फार्मर्स की जो इनकम है वो डाउन हो जाती है। और फार्मर्स क्या करते हैं कि वो कट बैक करते हैं बाकी चीज़ों पर, स्पेशली जो है वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीन्स के साथ क्या होता है वो इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करती, उसमें रिस्क रहता है बट एक लेट से जो है 2% या 1% का रिस्क है कि आपके एनिमल को कोई बीमारी हो जाए। तो बेसिकली कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि वो कट बैक कर देते हैं ऑन दी वैक्सीन एंड ट्राई टू सेव ऑन दी मनी। उसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी फार्मर्स ऐसा करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आगे जाके भी अगर कभी मेज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो इस कंपनी पे बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अब जो है वो पोल्ट्री का सेगमेंट थोड़ा कम हो गया है, तो अब इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हिस्टोरिकली होता था। उसके बाद जो नेक्स्ट डिप हमें नज़र आता है वो आता है इन मिड ऑफ ईयर 2018। तो उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि कंपनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंडर्स मिलने वाले थे जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो कौन से टेंडर्स थे, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और एनिमल जो हेल्थ का सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था हिस्टोरिकली। बट हुआ क्या है कि FY18 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। जो ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड थी कि भाई 25-30% 40% से ग्रो करेगी, लेकिन जो है वो बहुत कम ग्रो करी, सिर्फ 10-12% से ग्रो करी थी फॉर द एंटायर ईयर। तो लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो कंपनी का जो पीई था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था इन द प्रीवियस ईयर, ऑलमोस्ट 60 के पीई पे चला गया था। तो क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आया, जो ड्रॉप है उसका मेन रीज़न ये था। और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो है जब एक्चुअली में जो है रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ तो हम वो जो है स्टॉक रिकवर कर गया। और फाइनली जो लास्ट हमें ड्रॉप दिखता है वो दिखता है इन मार्च ऑफ FY21, जो कि कोरोना वायरस की वजह से है। तो उसका भी मेन रीज़न जो है वो यही था कि बहुत से लोगों ने कोरोना वायरस के डर के मारे जो है चिकन खाना बंद कर दिया था उन दिनों। तो हुआ क्या कि भाई चिकन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए, बहुत सारे फार्मर्स ने चिकन को जो है ऐसे ही स्लॉटर करना शुरू कर दिया प्राइजेस, और इस चक्कर में जो है कट बैक किया वैक्सीन्स पे, जिसकी वजह से इनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया जो कि एक्सपेक्टेड था। इस वजह से जो है वो प्राइस में हमें देखने को मिला। तो इस तरीके के जो रीजंस होते हैं हमें ये देखना है कि कौन से रीजंस टेम्परेरी हैं और कौन से रीजंस परमानेंट हैं। तो जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट जो है मैं बॉटम को पकड़ पाया, मैंने लगभग 1100 के आसपास जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया था इन दिस कंपनी। और मुझे जो मेरी मेन थिंकिंग थी वो ये थी कि जो एक बेसिकली लोग चिकन खाना इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बहुत जल्द ऐसा होगा कि लोग जो है थोड़े दिनों में जब कोरोना वायरस थोड़ा बहुत सबसाइड करेगा कुछ महीनों में लोग चिकन खाना वापस से शुरू कर देंगे एंड द कंपनी स्टॉक विल रिकवर। एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड, इट एक्चुअली रिकवर्ड और जो है वो स्टॉक ऑलमोस्ट 1100 रुपये से बढ़ के लगभग 1800 हो गया इन द प्रेजेंट टाइम। अब बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट जो कि है रीजंस फॉर द हिस्टोरिक ग्रोथ। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुका हूँ, तो कुछ रीजंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि नई वैक्सीन्स का आना, एनिमल फार्मा प्रोडक्ट में एंटर करना, एंट्री इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। उसके अलावा कुछ रीजंस ऐसे थे जो कि मैंने अभी पीछे बात नहीं करी थी, जैसे कि नई ज्योग्राफीज़ में एंटर करना, तो ये लोग एक्सपोर्ट करने के लिए अफ्रीका में और बाकी काफ़ी सारी जो है साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ में एंटर करे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ। और फाइनली जो है टेंडर बिजनेस, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। तो हिस्टोरिकली अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो ऑलमोस्ट 18% कैगर से जो है इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और 20% कैगर से जो है इनका प्रॉफिट ग्रो किया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो डिसीज़ का नाम है ब्रुसेला।
ये जो न्यूज़ आर्टिकल है आप देख सकते हैं, ये जो ब्रुसेला है वो ऑलरेडी चाइना में इसका आउटब्रेक आज के दिन में भी ऐसा हो रखा है। तो ये जो न्यूज़ है ये 6 नवंबर की है, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो ऑलमोस्ट 6,000 जो पीपल हैं वो इन्फेक्टेड हैं फ्रॉम दिस डिसीज़। तो ये जो डिसीज़ है इसका एक्चुअल नाम है ब्रुसेलोसिस। तो ये जो है गाय भैंसों में और साथ ही साथ जो है कैटल्स में, यानी कि गाय भेड़ बकरी वगैरह में, इनमें जो है अगर ये बीमारी हो जाती है तो ये अबॉर्शन, यानी कि उनका जो बच्चा है वो अबॉर्ट हो जाता है, इनफर्टिलिटी, और जो है जो दूध का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में फार्मर की इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है जिसकी वजह से ये डिसीज़ और ज़्यादा डेडली है, वो ये है कि जो डिसीज़ है ये एनिमल से जो है ह्यूमंस में भी हो जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, जो फार्मर्स हैं जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो उनको उनको मतलब देखने के लिए जाते हैं, उनमें भी फैलने का डर रहता है, और उनमें भी जो है हाई फीवर, हेडेक और इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो है बहुत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जो है ये ब्रुसेला डिसीज़ को इरेडिकेट करने की बात चल रही है। ये जो प्रोग्राम है ये फ्रॉम द ईयर 2014 2015 से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो ये प्रोग्राम है वो डिले होता चला जा रहा है। लेकिन अभी फाइनली 2020 में जो है फंडिंग एलोकेट कर दी गई है इसके लिए, जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो है इसके टेंडर्स निकाल दिए जाएंगे। और ये इंडिया में अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो कि इसकी वैक्सीन बना चुके हैं, और इनको बहुत, और ये जो है ऑलमोस्ट 80% जो मार्केट जो उसका सेगमेंट है उसका 80% जो है ये लोग रखते हैं, अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये लोग ऑलमोस्ट सर्टेन हैं कि इन्हें ही वो टेंडर मिलेंगे, या कुछ कैपेसिटी में तो ये टेंडर मिलेंगे ही। तो उसके लिए जो है इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी प्लानिंग कर रखी है, और अगर इसका टेंडर मिलता है तो वो इनके रेवेन्यू को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इम्पैक्ट कर सकता है, यानी अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की बिजनेस स्टोरी के बारे में, यानी कि हिस्टोरिकली हमने समझ लिया कि भाई कंपनी की हिस्टोरिकल ग्रोथ क्यों हुई थी, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो हुई थी। अब देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ के कुछ कैटलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस करे हैं, एक तो मैंने आपको बात करी थी ब्रुसेलोसिस के बारे में, वो जो है इंडिया का टेंडर है जो कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब 2020 तक जो है वो निकल जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले बहुत बार डिले हो चुका है, तो कोई गारंटी नहीं है कि फेब 2020 तक ये आ ही जाएगा, बट मे बी बाई एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या फिर मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर होपफुली जो है ये टेंडर पास हो जाना चाहिए। और दूसरा जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक टेंडर है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की जो कि एनिमल हेल्थ पे काम करती है, और एनिमल में बहुत सी जो है बीमारियों को इरेडिकेट करने पे काम करती है। तो एक सिमिलर ही बीमारी है, वो उसका नाम है PPR, तो उसके इरेडिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट फंडिंग है, और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इस पर्टिकुलर डिसीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड इरेडिकेट करने का मिशन है। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसका भी टेंडर आएगा और ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके अलावा कुछ और ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि इनके फ्यूचर की ग्रोथ को जो है कैटलाइज कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, वो है हेस्टर अफ्रीका। तो हेस्टर अफ्रीका इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इन्होंने अफ्रीका टंजानिया में जो है एस्टेब्लिश करी है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट जनवरी से हमें लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। सो द रीज़न फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस फैसिलिटी इज़ कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो एनिमल फार्मा का काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, और बहुत ही कंपनीज जो है वो कम ऑपरेट करती हैं, बहुत ही कम कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो इस वजह से जो है इन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और अफ्रीका में जो है अपना एक एनिमल फार्मा का प्लांट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। तो अब एनिमल फार्मा में होता क्या है कि जो रीजन स्पेसिफिक डिसीजेज होती हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ एरियाज़ में होती हैं, और अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लोकलाइज्ड डिसीजेज होती हैं जो कि वहाँ पे इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो प्लांट है ये वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स, जो वहाँ की लोकल डिसीजेज हैं उनको, उनके लिए जो है ये लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और पूरे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को टारगेट करेंगे। अब अच्छी बात ये है कि इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो है इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है फिलैंथ्रोफी, उससे जो है इन्हें फंडिंग मिली है। तो लगभग जो है वो ऑलमोस्ट $10 मिलियन की फंडिंग है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन,
और ऑलमोस्ट $4 मिलियन की फंडिंग है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। तो जो $10 मिलियन है यानी कि लगभग 75 करोड़ रुपए, अगर हम 75 का करेंसी कन्वर्जन रेट लगाएं तो वो जो है लोन की फॉर्म में है, और लगभग 30 करोड़ जो है वो फ्री में उन्हें ग्रांट की फॉर्म में मिले हैं। और जो है 4 मिलियन जो है, लगभग 30 करोड़ जो है इन्होंने अपना पैसा डाला है जो कि इनकी एक्विटी हो गई। अब ओवरऑल जो कंपनी है उसका कहना है कि जब अगर ये कल को प्लांट अगर मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये 4-5 साल लग जाएंगे फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने में, तो ऑलमोस्ट जो है 200 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है इन देयर ओवरऑल टॉप लाइन। तो अब बात कर लेते हैं इनके कौन सा जो सेगमेंट है वो लगभग उससे हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो इनका सबसे बिगेस्ट सेगमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 80-85% है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो है पोल्ट्री सेगमेंट। वो जो है थोड़ा रिलेटिवली मीडियम ग्रोथ सेगमेंट मान सकते हैं, 10-15% जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली इतना ही ग्रो करता है और आगे चल के भी लगभग इसी रेट पे ग्रो करेगा। तो कुछ कुछ नई वैक्सीन्स ये लोग लॉन्च करते रहेंगे, बेस्ड ऑन जैसी इन्हें अपॉर्चुनिटी लगती है नई ज्योग्राफीज़ में जाने की कोशिश करेंगे, और लगभग इतना ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका जो फास्ट मूविंग सेगमेंट है वो है लार्ज एनिमल सेगमेंट, जो कि इनका ग्रोथ ड्राइवर है, जो कि अभी भी लगभग 25-30% के बीच में ग्रो कर रहा है। और फाइनली टेक्सिस लाइफ साइंस, जो कि अहमदाबाद के पास इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें ये हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो पहले ये जो हेल्थ प्रोडक्ट्स थे, जो कि दवाइयाँ वगैरह थी, एनिमल फीड्स थे, वो ये लोग एक बाहर की कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा रहे थे एक दूसरी कंपनी से। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ सालों पहले जो है इस टेक्सास लाइफ साइंस नाम की कंपनी को अक्वायर कर लिया है, और अब जो है ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उससे जो है ये लोग इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। हालांकि ओवरऑल सेगमेंट की बात करें तो ये बहुत छोटा सेगमेंट है अभी कंपेयर टू दी ओवरऑल वैक्सीनेशन सेगमेंट। अब ये तो बात हुई कि भाई जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनमें ये लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि फ्यूचर में आ सकती हैं, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऑन द ग्राउंड रियलिटी में नहीं है, लेकिन आगे चल के इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे ये फैक्टर्स। तो जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है वो है लंपी स्किन डिसीज़, या फिर LSD भी कहा जाता है। तो ये जो एक बीमारी है ये गाय भैंसों को ज़्यादा होती है। तो इस बीमारी में होता क्या है, ये जैसे इंसानों में चिकन पॉक्स होता है उस तरीके की बीमारी को हम एक पॉक्स जो है बीमारी समझ सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो गाय है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आता है और उसकी स्किन पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो है बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत जल्दी फैलती है, तो उस जानवर को जो है हमें आइसोलेट करके रखना पड़ता है। तो और स्पेशली जो अगर आप डॉक्टर वगैरह को बुलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इंडिया में अगर बात करें तो अभी कोई भी जो है वो LSD की जो है वैक्सीनेशन बनाने वाला कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। और अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हों तो आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो है लंपी स्किन डिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो आउटब्रेक हो रखा है इस डिसीज़ का। तो जो कंपनी ने बोला है कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और विद इन 6 मंथ जो है हम इसका वैक्सीन बना लेंगे, एंड वी विल बी द फर्स्ट प्रोवाइडर ऑफ दिस वैक्सीन इन इंडिया। सिमिलरली एक और जो है हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। तो हो क्या रहा है कि यूरोप में और जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है फॉर दी एनिमल्स। इसकी वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो है एनिमल्स की जो जो हम उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके ट्रेसेस रह जाते हैं इन दी एनिमल बॉडी, एंड व्हेन यू एक्चुअली मतलब जब उस एनिमल को यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि वो ट्रेसेस जो है ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। सो इफ़ इंडिया वांट्स टू एक्सपोर्ट एग्स एंड मीट, इट हैज़ टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज डेवलप्ड कंट्रीज़, अदरवाइज जो मीट वगैरह है वो नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगी, क्योंकि उसमें जो रेजिड्यू रह जाएगा एंटीबायोटिक्स का। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत जल्दी बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दी कमिंग फ्यूचर। तो कंपनी जो है इस पे फोकस कर रही है और आगे जाके जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। अब जब हमने इसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देख ली हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क के बारे में। तो जो बिगेस्ट रिस्क हमें इस कंपनी में नज़र आता है वो ये है कि कंपनी जो है हिस्टोरिकली अगर बात करें तो 2013 से लेके अब तक जो है जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा ओवर प्रॉमिस करता है और अंडर डिलीवर करता है।
हालांकि हम ग्रोथ देखें तो लगभग 15-20% से ग्रो करी है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है, बट द कंपनी साइज इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल एंड देर आर सर्टन फैक्टर्स लाइक टेंडर्स एंड ऑल राइट विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, और कंपनी जो है वो सब फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करती है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इन FY 2013 कंपनी सेड कि FY 2020 में वी विल एक्चुअली बी अ 1,000 करोड़ कंपनी, वील डू अ रेवेन्यू ऑफ 1,000 करोड़। वहीं अगर हम आज देखें तो बीच में कोरोना वायरस भी हो गया, बीच में जो है और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई, तो कंपनी का एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो 200-250 करोड़ के आसपास है, विच इज़ वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू व्हाट द कंपनी हैड प्रेडिक्टेड। सो हिस्टोरिकली कंपनी हैज़ ओवर प्रॉमिस्ड बट एक्चुअली नॉट डिलीवर्ड व्हाट दे प्रॉमिस्ड। नेक्स्ट जो एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है मेज़ एंड सोया, जिसके बारे में जो कि रॉ मटेरियल है फॉर दी पोल्ट्री, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि 60% ऑफ द फीड कॉस्ट है, और जब भी इनके प्राइजेस राइज होंगे दिस कंपनी विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट टेंडर्स। तो गवर्नमेंट का बिजनेस जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट टेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, रिसीवेबल्स अटकने के चांसेस होते हैं, कंपनी को पैसा लेट मिलता है, तो इन सब रीजंस की वजह से ये जो बिज़नेस है वो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, और ओवरऑल मार्जिन भी अगर देखें तो टेंडर बिज़नेस में कम रहते हैं कंपेयर टू अगर आप मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिस्क हमें लगता है वो है हाई मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, यानी कि मैनेजमेंट की सैलरी इफ़ यू कंपेयर टू द ओवरऑल प्रॉफिट इज़ मच हाई। तो ओवरऑल जो कंपनी है वो 40-50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाती है, और वहीं जो मैनेजमेंट है वो 3-3.5 करोड़ के आसपास, जो कि इनके इस कंपनी के सीईओ हैं वो 3-3.5 करोड़ का सैलरी लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट इज टेंडर बिजनेस इज़ लो मार्जिन, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज़ शिफ्ट अवे फ्रॉम मीट। तो जैसा कि हमें पता है कि पीटा और कुछ लोग जो है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमें मीट कंजम्पशन को कम करने के लिए इनक्रेज करती हैं, और काफ़ी लोग जो है वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो अगर फ्यूचर में जाके कल को अगर ऐसा कोई ट्रेंड बनता है जो लोगों ने मीट कंजम्पशन कम कर दिया, तो ऑब्वियसली वैक्सीन्स की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। एंड फाइनली जो बिगेस्ट रिस्क है वो है लो स्टॉक लिक्विडिटी। तो ये जो कंपनी है वो एक छोटी कंपनी है, 1,000-1,200-1,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो ओवरऑल जो इसका जो लिक्विडिटी है यानी कि जो जो कंपनी के जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में वो बहुत कम ट्रेड होते हैं, तो इस वजह से जो है ये एक रिस्क है। कल को अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो एग्ज़िट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंपनी का जो सैलरी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 2,20,00,000 तो जो है इनकी बेस सैलरी है। उसके अलावा ऑलमोस्ट जो है वो 1.6 करोड़ इन्होंने जो है 4% ऑफ द प्रॉफिट लिया था एज अ कमीशन, दिस इज़ इन FY 2019। तो बेसिकली कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक प्रॉफिट शेयरिंग टाइप ऑफ सैलरी भी लेता है अदर देन दी बेस सैलरी। तो अगर वो टारगेट रखते हैं जो कि बोर्ड मीटिंग्स में अप्रूव होते हैं, और अगर वो टारगेट को हिट कर पाते हैं, तो जो है इस केस में ऑलमोस्ट 4% ऑफ द प्रॉफिट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ लाइक प्रिटी हाई, इतना जो है ये लोग 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो अर्न करते हैं, अर्न करे थे इन FY 2019। फाइनली अब हमें सब समझ में आ गया है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे पैसे कमाती है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल रिस्क सब समझ में आ गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें आज की डेट में जो है ये लगभग 50-60 के पीई पे ट्रेड करती है, और कंपनी जो है ये जो प्राइज इन करती है कि ऑलरेडी जो है ये प्राइज इन हो रखा है कि जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है इन दी कमिंग फ्यूचर। तो एक्सपेक्टेड भी है कि भाई नेक्स्ट ईयर तक जो है इन्हें कुछ बड़े टेंडर्स मिलेंगे जो कि लगभग जो है 50-100 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर इन्हें ऐसे बड़े टेंडर मिलते हैं तो जो है ये जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंप होगा। तो 200 करोड़ से अगर 300 करोड़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ जो है वो आएगी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जो टेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं, और इनके जो मार्जिनस हैं मुझे लगता है वो भी थोड़े श्रिंक करेंगे अगर वो टेंडर्स उन्हें मिलते हैं, क्योंकि टेंडर बिजनेस में जो मार्जिनस हैं वो थोड़े कम रहते हैं, और रिसीवेबल भी थोड़ा बढ़ेगा। और जो हेस्टर अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन दी कमिंग ईयर्स, मैक्स पोटेंशियल 200 करोड़ का बताया था।
तो अगर हम 2024-25 की बात करें, लगभग 4-5 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि कंपनी अगर जैसा इन्होंने प्लान किया है वो लगभग 2.5 से 3 गुना रेवेन्यू तक जा सकती है। 200 करोड़ से लगभग कम से कम 4, 450, 500 करोड़ तक रेवेन्यू जा सकता है अगर हम इनकी जो मतलब ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसे देखें। तो जैसा मैंने बताया था, हिस्टोरिकली कंपनी ने ओवर प्रॉमिस किया है और अंडर डिलीवर किया है, तो हमें नहीं कह सकते कि जो है कंपनी एक्चुअली ये डिलीवर कर पाएगी या नहीं, तो देखना रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़े निचले लेवल से इन्वेस्टेड हूं, लगभग 1100 रुपये के आसपास से इन्वेस्टेड हूं, तो मैं अभी इसमें ना ऐड करने का सोच रहा हूं और ना ही सेल करने का सोच रहा हूं। बट अगर मैं नई एंट्री की बात करूं तो आई'ल प्रॉबली वेट फॉर सम मोर टाइम कि अगर थोड़ा करेक्शन आएगा जो है 1400-1500 लेवल्स पे या उससे भी नीचे जाएगी तो आई विल एवरेज, बट अदरवाइज आई एम नॉट प्लानिंग टू एवरेज राइट नाउ। आप जो है अपने हिसाब से देखिए कि आपको जिसके रिस्क हैं वो कैसे लगते हैं, कंपनी को ट्रैक करिए ताकि अगर कंपनी की जो ग्रोथ है वो अगर सस्टेन हो पा रही है, एक्चुअली में नंबर्स में दिख रहा है और वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पा रहे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि इट विल ग्रो, द ओनली थिंग इज़ वेदर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि 3-4 साल में ऑब्वियसली ये ग्रो करेगी, लेकिन मतलब 1-2 साल में उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी जितना कंपनी प्रॉमिस कर रही है या नहीं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। तो फाइनली आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा और आप इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।